हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ हेयर स्ट्रेटनिंग। तो कैसा लग रहा है ये हेयर स्ट्रेट और इसका साइन? ये मैं आज बता रही हूँ टेम्प्रोरी हेयर स्ट्रेट। तो आप देख सकते हैं ये है इनके बिफोर का हेयर लुक। तो बहुत ज़्यादा फ्रिजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्ली भी नहीं है, बट स्ट्रेट का तो बात ही अलग होता है। तो सबसे पहले आपको करना है वाटर स्प्रे, यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ वाटर स्प्रे। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्ट्रिक्स का सीरम, जिसे मैं हथेली में थोड़ा सा लेने के बाद उसे हल्के से मिक्स करके पूरे हेयर पे फिंगर कम्ब कैस करते हुए लगा देना है। तो गाइस, ऐसे है कि जब भी हम लोग हेयर स्ट्रेट करते हैं तो उसके लिए बाल में शैम्पू हुआ होना चाहिए। तो हेयर में शैम्पू होने के बाद, यदि अगर आप किसी क्लाइंट पे कर रहे हो, वो शैम्पू करके आए हैं बट उनका हेयर सूख गया है, तो उस पर आपको हेयर स्प्रे वाटर स्प्रे करना होगा, यानी आपको टॉवल ड्राई तक का बाल चाहिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पार्टीशन की हूँ, और पार्टीशन करने के बाद आप पतले पतले लेयर लेंगे और उसको स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से करने से क्या होगा, आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग जो होता है, स्मूथनिंग होता है, वो भी आपके करने का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उसमें भी ऐसे ही पतले पतले लेयर्स लेना पड़ता है, तो आप वैसे ही पतले लेयर लीजिए और उसे अच्छे से 4 से 5 बार इस तरह से स्ट्रेट कीजिए। तो इस तरह से स्ट्रेट करने से बिल्कुल आपको रिमॉर्निंग वाला लुक मिलेगा। मीन्स है तो ये टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग, बट आपको मिलता है रिवॉन्डिंग जैसा लुक। तो आप इस तरह से करते हैं, और ये स्ट्रेटनिंग आपका जब तक आप बाल नहीं धोते, हेयर वॉश नहीं करते, तब तक चलने वाला है। तो इस तरह से आप अपने हेयर में या अपने क्लाइंट के हेयर में बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा साइन भी आया है। तो इसी तरह से पतले पतले पार्ट लेकर के आपको पूरे हेयर में इस तरह से स्ट्रेट करना है। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मेरा मशीन हीट है, इसलिए यहाँ पे धुआं आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं गाइस, यहाँ पे चूंकि सीरम लगा है और हेयर जो है वो टॉवल ड्राई है, तो हीट होने की वजह से ऐसे आपके हेयर में से हल्का हल्का धुआं जैसा दिखता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हेयर को ये डैमेज करता। आप देखिए कितने स्मूथ दिख रहा है और साइन भी कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से पूरे हेयर में अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे, और इस पूरे स्ट्रेटनिंग के लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड का स्ट्रेटनर ले सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर पे किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा और साइन भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत सारे हेयर स्ट्रेटनर है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक का हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, जो कि परमानेंट हेयर स्ट्रेट के लिए तो यूज़ करती ही हूँ, और साथ ही इससे यहाँ पे करने से टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग में आपका ये हेयर स्ट्रेट कम से कम 1 सप्ताह आराम से चलेगा। इससे आप बगैर वॉश किए हुए अगर आप अपने हेयर को रखते हैं, तो आप 1 वीक तक अपने हेयर को बिल्कुल ऐसे ही जैसा दिख रहा है वैसा रख सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को? आज के वीडियो से आप लोग क्या क्या सीखे, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके बताइए। और ब्यूटी से रिलेटेड आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं, ये सारे कुछ को कॉमेंट में आप लिख सकते हैं। और जो भी कुछ समझ में नहीं आता है, वो अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए भी आप लोग सभी को थैंक यू। तो चलिए, ज़रूर फटाफट लिखिए कि और क्या क्या देखना चाहते हैं।